ये हमारे दोस्त हैं रहमत साहब, इन्होंने भाई हैं रहमत जोगी साहब, इन्होंने आज मुझे बुलाया था माशाल्लाह। हमारे इलाके में गुलशन जी ने बहुत शानदार एक कम्फर्ट जोन खोला है और फुल मसाज चेयर हैं और माशाल्लाह इनके बड़े फ़ायदे हैं। मैं तो इनको कहूँगा कि आपने एहसान किया इस इलाके पर कि इतना अच्छा सेटअप बनाया है और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सर हम बैठ सकते हैं? जी सर बैठे। अच्छा तो मैं शुरू उतार दूँ? जी सर ठीक है। तो आप ज़रा इसको आप ऑन करें ना, ज़रा ऑन करें ना, ज़रा इसको देखें ना, फिर हम आपको बताते हैं इसको क्या फ़ायदा है। जी सर आप आगे ठीक है। बाबा जी ठीक है, ये जो है ये फुल मसाज मशीन है जी। तो अब इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके क्या 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 मेजर हम इसके बेनिफिट बताएंगे। ये फुल मसाज मशीन है, पहला काम ये आपकी ये ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करती है। जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बहाल होती है तो उससे क्या होता है, आपके पूरे जिस्म को खून मिलता है प्रॉपर, उनको आपके न्यूट्रिशन फैक्टर हैं ब्लड के अंदर वो पहुँचते हैं बॉडी के तमाम अज्जा तक, ऑक्सीजन पहुँचती है। ये फुल मसाज मशीन है जो मेरे भाई हैं रहमत जोगी साहब, इन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था तो मुझे बड़ी खुशी कि इन्होंने हमारे इलाके में ये सेटअप किया है। तो इसके फ़ायदे मैं बता दूँ आप सब लोगों को, इसका फ़ायदा क्या है। ये फ़ायदा, अगर आपको चीज़ का इल्म नहीं है फ़ायदे का तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। ये आपके पूरे बॉडी का मसाज करती है, आपके सर का भी मसाज करती है, आपके पैर, इस वक्त मेरे पैरों का मसाज हो रहा है, पैरों का मसाज करती है, आपकी टांगों का मसाज करती है, आपकी कमर का मसाज करती है, आपके बाजों का मसाज करती है। अब ये मसाज जो करती है, इस मसाज का बेसिक फ़ायदा क्या होता है, सबसे अहम फ़ायदा ये है आपके खून की सर्कुलेशन बहाल होती है। जब आपके खून की सर्कुलेशन बहाल होती है तो आपके खून ब्लड में जन जन पार्ट्स में ये खून नहीं पहुँच पा रहा, तो वहाँ जाके ये ब्लड सप्लाई आपकी जहाँ रुकी हुई वहाँ आपका खून ज़्यादा सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ज़्यादा खून जाएगा तो ऑक्सीजन भी साथ ले जाएगा, उसके अंदर जो तमाम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो भी पहुँचेंगे। जब पहुँचेंगे तो आपके न्यूरॉन जो डैमेज हो जाते हैं, आप जिसे अक्सर कहा, जिसे हम बार बार कहते हैं न्यूरोपैथी हो गई, जनाब न्यूरॉन डैमेज हो गए, अब तो ये रिवर्सिबल है, तो उन न्यूरॉन्स की भी रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। आपकी न्यूरोपैथी का इलाज इस मशीन करती है। तो अभी इस वक्त ये मेरी कमर को ये दबा रही है, ये अच्छी तरह मसाज कर रही है। अब सारे दिन के आप थके हुए हैं, आपकी कमर में आप स्ट्रेस, आपका फिजिकल स्ट्रेस है, आपके मसल्स पुल हो रहे हैं, ज़ाहिर आपके मसल्स पुल हो रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपको शदीद पेन है, तो आप एंगजाइटी के शिकार होंगे। जब आपके तनाव का शिकार होंगे आपको रात को नींद नहीं आएगी, जब आपको नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस की वजह से बंदा बिलखसूस दो बीमारियों में चला जाता है। वो क्या है, इस स्ट्रेस का ताल्लुक है आपके ब्लड प्रेशर से और आपकी शुगर से। जिसको शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है तो इस फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से उन दो बीमारियों का शिकार हो जाता है। जब वो रात को नहीं सोएगा, जब नहीं आएगी, तो उसका बॉडी जो है, आपको पहले भी मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आपका हार्मोन सीक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन है, अच्छा उसके अलावा एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है। तो इन हार्मोन्स का क्या काम है, ये आपके एक तो ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन को रोकता है आपके अंदर, और इससे क्या होता है आपके इंसुलिन के लिए आपके लबलवा को पैगाम मिलता है, तो वो लबलवा जो है आपको इंसुलिन की प्रोडक्शन तेज़ कर देता है। जब वो तेज़ करता है तो वो कब तक तेज़ करेगा, उसकी एक्टिविटी ओवर हो जाती है, तो ओवर एक्टिविटी की वजह से इसके जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो आपका लबलवा इस काबिल नहीं रहता कि आपकी इंसुलिन की बॉडी की डिमांड को फुलफिल करें, एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का डायरेक्ट हार्ट से आपका ताल्लुक है, आपके ब्लड सिस्टम से ताल्लुक है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ताल्लुक है, तो आपकी वो हार्ट बीट बढ़ती है, उससे आपके ब्लड मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इतना आपके हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, आपका हार्ट जो है अक्सर का पंपिंग करने में उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इतना हार्ट आपका फेल भी हो सकता है, इतना आप बीपी के मरीज़ हो जाते हैं। तो इसका बेसिक फ़ायदा ये है कि आपके हार्ट को रिलैक्स रखेगी, आपको स्ट्रेस फ्री करेगी, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको ये इम्प्रूव करती है, और ब्लड सर्कुलेशन से इससे एक फ़ायदा ये होता है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो आपका ब्लड जब आपका फिल्टर होता है थ्रू किडनी, तो टॉक्सिक मटेरियल जो आपके रिमूव हो जाते हैं थ्रू यूरिनेशन, इससे आपको ये फ़ायदा होता है। आप उससे क्या होता है, आपकी स्किन हेल्दी होती है, स्किन चमकदार होती है, अच्छा आप इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है इसकी मसाज से। अब इस वक्त मेरी कमर का मसाज हो गया, अब ये मेरे बाजों का मसाज कर रही मशीन, मेरे पैरों का भी मसाज हो गया।
अब ये बाघों में जो ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी जो प्रॉपर उसको बहाल करेगी, तो जो मेरे बाघों में तनाव है, स्ट्रेच है, तो वो उस स्ट्रेच को रोकेगी। अच्छा, तो रिलैक्स करेगी। जब अब मैं जब घर जाऊंगा तो मैं बिल्कुल फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होऊंगा, तो मैं आराम से जाके सुकून से गहरी नींद सो सकता हूँ। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो बताने का मकसद ये था कि जो आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें ये फुल मसाज मशीन है, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये रहमत साहब गुलशन हदीद में होते हैं, और ये गुलशन हदीद की जो कमर्शियल मार्केट है उसके साथ इनका बम्बिनो फोटो स्टूडियो के साथ इन्होंने एक कम्फर्ट जोन बनाया, और ये बहुत अल्लाह वाले आदमी हैं। आप आएँ, इनके साथ बैठें, गपशप करें और आपकी ये खिदमत करेंगे। तो आप इस मशीन को देखें कि इसके क्या बेनिफिट हैं, और इवन कि आपकी जो फालिज जो होता है उसमें बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मसाज करवाएंगे तो फालिज की बीमारी इतनी जल्दी जान छुटेगी, इसमें आपको आपके जो मसल जो है आपके पुल हो जाते हैं कि सर के आप गर्दन इधर उधर नहीं मोड़ सकते, तो उसका भी बहुत शानदार इलाज है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इससे क्या होगा कि आपकी शुगर में भी इसका जी शुगर में जितना आपका ब्लड क्या होता है उसमें ब्लड आपका हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, फिर उसके अंदर आपके ब्लड वेसल में ग्लूकोज स्टिक होना शुरू हो जाता है, आपके ब्लड की नालियाँ तंग होना शुरू होती हैं। जब तंग होती हैं तो आपके बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जब ये ब्लड को फ्लो को बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा कि आपका शुगर के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें भी आपको बहुत कमी बाकी होगी।